सवाल। हिंदुकश पहाड़ी सिलसिले से जुड़ा पाकिस्तान का एक ऐसा जन्नत नज़ीर खित्ता, जिसे दिलफरेब हसीन कुदरती मनाजर और कदीम तारीखी आसार की बदौलत एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। ये वादी अपनी जाज़बियत, जुग्राफियाई महले वकू, तहजीब, सकाफत, शादाबी और खैराकुन मनासिर के बायस दुनिया भर में सियाहत के लिए गैर मामूली अहमियत की हामिल है। कुदरत ने इस पुरफसों हैरत अंगेज और दिलकुशा इलाके को जिन फयासियों, रानाइयों और हवालों से माला माल किया है, वो बेमिसल भी है और बेबदल भी। बर्फ पोश चोटियां, गीत गाती आबशारे, सरसब्ज वसी मैदान, साफ और शफाफ पानी के चश्मे, तिलस्माती झीलें, पुरशोर दरियाए सवात और घने जंगलात देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। पढ़े हैं कदीम कुतब में सवात का जिक्र मुख्तलिफ नामों से आया है, जिनमें औदियाना नाम काबिल जिक्र और नुमाया है, जिसके मायने गुलिस्तान या बाग की है। ये इलाका मुख्तलिफ अकवाम की तहजीबी, सकाफती, समाजी और मजहबी अकदार का गहवारा रहा है, जिनके कदीम नकूश वादी के कोने कोने में आज भी मौजूद हैं। बुद्धिस्ट वो जो रिलिक्स है वो आपको मिलेंगे। जमाना कदीम के सवात में मौजूद इन तमाम तहजीबों, सकाफतों और मजाहिब में बुद्ध मत को अव्वलियत हासिल रही है। बुद्ध मत दौर की मनहदम आबादियां, खानकाहें और इबादतगाहें यहां खंडरात की शक्ल में बुद्ध मजहब की अजमत और रफ्ता की तिलस्माती कहानियां सुना रही हैं, जिनकी तादाद वादी सवात में 400 से ज्यादा है। तारीख की किताबों में 6000 बुद्ध मत मजहब की इबादतगाहों और खानकाहों का जिक्र मिलता है। बुद्धिज्म ने इतनी ज्यादा तरक्की की कि सवात में वाकई इस्लामपुर का इलाका अरसा कदीम से खड़ियों की सन्नत के लिए मशहूर चला आ रहा है। यहाँ ऊनी कपड़ा, कंबल और शॉलें तैयार करने वाली तकरीबन 18 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें 200 से ज्यादा खड़ियां कायम हैं। यहाँ तैयार की गई मसनूआत को पाकिस्तान भर के अलावा पूरी दुनिया में बरामद किया। सतह समंदर से 7000 फीट की बुलंदी पर वाकई एक ऐसी वादी जिसकी सैर किए बगैर सवात की सियाहत मुकम्मल नहीं होती। कालाम के चारों जानिब बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों के लामतनाही सिलसिले हैं, जिनके दरमियान में वादी कालाम दुल्हन के माथे पर सजे झूमर का मंजर पेश करती है। रंग बिरंगे कुदरती फूल, सेब के झूमते हुए दरख्त और लहलहाते खेत देखने वालों को साकत कर देते हैं। दरियाए उत्रोर और दरियाए उशु का ये पुरकशिश संगम कालाम की खूबसूरती का अहम हिस्सा है। कालाम इज फेमस। कालाम से चंद किलोमीटर के फासले पर घने जंगलात का एक वसी सिलसिला मौजूद है, जिनमें सूरज की रोशनी पर मुश्किल छन छन कर गुजरती है। इसी जंगलाती सिलसिले में 7550 फीट की बुलंदी पर वाके पाइन ट्रीज का ये खूबसूरत जंगल अबर आलूद और बारानी जंगल के नाम से भी जाना जाता है। शाह बलूद के घने जंगलात के बीचों बीच सड़क पर आगे बढ़ते हुए एक अजीब किस्म की खुशी और ठंडक का एहसास होता है। उशू मुटल्तान और आबशार के हसीन मनाजर से लुत्फंदोज होते हुए कालाम से 37 किलोमीटर के फासले पर वाकई खालिके कायनात का एक अनोखा करिश्मा आंखों में हैरत भर देता है।
ये मंजर है मोम की तरह पिघलती मोहटन झील के दरिया में तब्दील होने का। हिंदुकश पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाकई इस झील का लासानी हुस्न और गैर मामूली खूबसूरती इंसान को अपने शहर में जकड़ लेती है। ये झील सतह समंदर से 9400 फीट बुलंद है। मोहटन झील, जिसे मछलियों की झील भी कहा जाता है, वादी सवात की सयाहत का एक अहम हिस्सा है। ये इतनी वादी सवात को हकीकत में झीलों की वादी भी कहा जा सकता है। यहाँ मौजूद अनगिनत खूबसूरत और कुदरती झीलें अभी तक सयाहों की नजरों से ओझल हैं। स्वात में जो मौजूदा लोगों ने डिस्कवर किए वो तकरीबन 57 झीलें हैं। दरियाए उत्तरोड के साथ साथ कालाम से 20 किलोमीटर की मुसाफत पर वाकई ये दिलकश और तिलसिमाती झील कंडोलो झील है। ये हसीन तरीन झील अपनी लाजवाब खूबसूरती और गैर मामूली सहर अंगेजी के बावजूद अभी तक सयाहों की नजरों से पोशीदा है। बर्फ से ढकी चोटियों, नीलगों आसमान के नीचे, बादलों के साए में एक प्याली की मानिंद चांदी जैसे शफाफ पानी वाली कंडोलो झील एक तिलसिमाती मंजर पेश करती है। झील के इतराफ में फैले हुए हसीन मनासर, हिंदुकश पहाड़ों पर पड़ी चमकती बर्फ, सरसब्ज चरागाहें,